हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्क सर्वाइवल इवॉल्व्ड। दोस्तों, आज फिर से मैं और एक नए सफ़र पर जाने वाला हूं और आज के सफ़र में मैं दिखाने वाला हूं आप किस तरीके से इजीली बहुत ही कम टाइम में कैस्ट राइट को टेम कर सकते हैं। तो इस टेमिंग सफ़र पर जाने के लिए हमको करना पड़ेगा कुछ प्रिपरेशन। तो पहले आता है, कोई भी डाइनो को अगर आप टेम करना चाहो उसके लिए चाहिए उसका शेडल। तो हमको देखना पड़ेगा इन ग्राम्स पर कैस्टराइट का शेडल कितने लेवल पर ओपन होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कैस्टराइट का शेडल जब हमारा लेवल 61 होता है। हाँ, यहाँ पर देखो, लेवल 61 होने पर कैस्टराइट का शेडल ओपन होता है और इसको ओपन कर लेना है, क्योंकि हम कैस्ट्रॉइड को टेम करेंगे तो उसके बाद उसका राइड भी करना है। तो इसको ओपन करने के बाद अभी हमारे स्मृति पर इसको क्राफ्ट कर लेना है। तो फर्स्ट प्लानिंग करना है डाइनो को टेम करने के लिए, सेकंड आता है आपको शेडल क्राफ्ट कर लेना। तो चलिए अपने स्मृति पर जल्दी से चलते हैं और कैस्ट्रॉइड का शेडल क्राफ्ट करते हैं। तो जल्दी से हमारा शेडल अभी हो जाएगा क्राफ्ट, मतलब ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद आता है टेमिंग फूड। तो ये शेडल क्राफ्ट हो चुका है और अभी लेना है उसका टेमिंग फूड, मतलब गिलेमेमस एक्केबल से कैस्ट्रॉइड टेम होता है। और गिलेमेमस एक्केबल वीडियो मैंने डाल चुका हूँ, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो किस तरीके से आप गिलेमेमस एक्केबल बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने गिलेमेमस एक्केबल ले लिया है और अभी कैस्ट्रॉइड को ट्रैप करने के लिए मैं यहाँ पर स्टोन पिलर ले रहा हूँ, बस इतना ही। और अभी टाइम है कहाँ पर मिलता है कैस्टराइट, तो आप मेरा लोकेशन आप अच्छी तरीके से देख लो। तो मैं जाने वाला हूँ यहाँ पर, आप देख लो अच्छी तरीके से, और आर्क पर कैस्टराइट कहाँ कहाँ मिलता है मैं आपको फुल लोकेशन यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये नंबर वन, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। नंबर टू, यहाँ पर भी आपको कैस्ट्रॉइड मिलेगा। नंबर थ्री, यहाँ पर मैं टेम करूँगा कैस्ट्रॉइड को, ये रेडवुड के साइड पर है। और नंबर फोर, आपको यहाँ पर भी कैस्ट्रॉइड मिल जाएगा, आप अच्छी तरीके से लोकेशन देख लो। नंबर फाइव, यहाँ पर भी आपको कैस्ट्रॉइड मिल जाएगा, ये भी रेडवुड के साइड पर है। और ये है नंबर सिक्स, ये ग्रिफिन माउंटेन के साइड पर है। तो सिक्स लोकेशन है आर्क पर कैस्ट्रॉइड कहाँ कहाँ मिलता है। तो नंबर थ्री पर मैं जाने वाला हूँ और वहाँ पर ही मैं कैस्ट्रॉइड को टेम करने वाला हूँ। तो अब तक हमने टोटल प्लानिंग के साथ शेडल क्राफ्ट किया है, टेमिंग फूड का बंदोबस्त किया है, ट्रैप लिया है और लोकेशन डिसाइड करना है कि हमको कहाँ पर जाना है और कैस्ट्रॉइड को ईजीली टेम करके फिर अपने बेस पर आना है। तो चलिए चलते हैं मेरे लोकेशन पर। तो मैं अपने लोकेशन पर पहुंच चुका हूं और अभी काम है ढूंढना कहां पर कैस्ट्रॉइड मिलेगा, मतलब मेरे लोकेशन पर कहां पर ये कैस्ट्रॉइड स्पॉन लेता है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये छोटा सा रिवर जैसा है, ये रेडवुड के साइड पर है। यहां पर भी आपको लो लेवल से लेके हाई लेवल तक कैस्ट्रॉइड आपको मिल जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो मुझे 290 लेवल ये कैस्ट्रॉइड मिल चुका है। तो अभी करना है हमको एक प्लानिंग कि हम किस तरीके से इसको टेम करें। और एक एस्ट्रॉइड ही जायंट वीवर डैम बनाता है, जिस पर आप सिलिका पर से लेके सीमेंटिंग पेस्ट, रियर फ्लावर, रियर मशरूम, वुड, ये सब मिलता है। और सीमेंटिंग पेस्ट का मैं एक वीडियो बनाया जिस पर आप अनलिमिटेड सीमेंटिंग पेस्ट कलेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। तो चलिए, ये तो मिल चुका है, यहाँ पर अभी एक ही दिखाई दे रहा है और
क्योंकि ये मैं कैस्ट्रॉइड को ले जाता हूँ अपने प्लेस पर और उन लोगों को छोड़ देता हूँ, तो इसलिए अभी यहाँ पर कम है, तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर भी मैंने एक कैस्ट्रॉइड कर रखा था, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और इससे बेटर प्लेस मेरे हिसाब से हो नहीं सकते। यहाँ पर मैं अपना टेमिंग प्रोसेस शुरू कर सकता हूँ, और इससे पहले हमको करना है इस प्लेस को थोड़ा सा क्लियर। ये यहाँ पर आप देख सकते हो दिल्लो आ चुका, और दिल्लो से लेकर रैप्टर भी मिलता है, कार्नो भी मिलता है, और थेरी भी मिलता है। तो मैं तो अपने थेरी को लेके आ गया हूँ। तो अभी हमको करना है इस प्लेस को थोड़ा सा क्लियर, मतलब थोड़ा सा चेक करना है कि कोई खतरा नहीं है या नहीं है। तो जब तक हमको कैस्ट्रॉइड का शटल मिल जाता है इनग्रास पर, तब तक तो भाई बहुत सारा डायनो हम कलेक्ट कर लेते हैं, मतलब बहुत सारा डायनो को हम टेम कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों है 61 लेवल होने पर कैस्ट्रॉइड का शटल ओपन होता है, ये तो मुझे पता नहीं। बट कोई बात नहीं, मैं फर्स्ट टेमिंग प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा प्लेस क्लियर करके मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो टोटल प्लेस क्लियर होने के बाद अभी हो चुका है, शाम होने वाला है, मतलब अभी थोड़ी देर में नाइट भी हो जाएगा। तो नाइट पर तो हम टेमिंग प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते, तो अभी के लिए हम थोड़ा सा नाइट पर थोड़ा सा वेट करेंगे, और मॉर्निंग होते होते हम अपना टेमिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। तो इसके लिए चलिए मैं अपना जो 290 लेवल कैस्ट्रॉइड मिला था उसका हेल्थ 3600 के करीब था, और अभी मुझे फिर से एक कैस्ट्रॉइड मिला बीच में जिसका भी 290 लेवल है, और इसका हेल्थ भी बहुत अच्छा है, 4000 से ऊपर है। तो कोई बात नहीं, तो हमको कैस्ट्रॉइड फास्ट टेमिंग टीम करना है, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा नाइट पर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नाइट पर मैं इसको टीम नहीं कर सकता हूँ, और टीम कर सकता हूँ बट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और अभी के लिए मैं यहाँ पर अपना ये जो स्टोन पिलर है ये लगा देता हूँ, ताकि मॉर्निंग होते होते मैं इसको टेम कर सकूँ। ज़्यादा ट्रैप की कोई झंझट नहीं है कैस्ट्रॉइड का टेम करने के लिए, इतना प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैस्ट्रॉइड का आप इस स्टोन पिलर से भी आप चाहो तो टेम कर सकते हो। तो मैं अपना ये स्टोन पिलर ये लगा दिया है, और एक बीच में रख दूंगा, अगर ये अंदर आए तो मैं ये बीच का पिलर भी लगा दूंगा बाद में अगर ज़रूरत पड़ा तो। तो टोटल प्लानिंग हो चुका है, और अभी नाइट को करना है कंप्लीट। तो नाइट को कंप्लीट करने के लिए दोस्तों मैं स्लीपिंग बैग का यूज़ करूंगा, और इससे एक फ़ायदा भी होगा हमको, इसका फूड लेवल भी लो हो जाएगा, मतलब एकदम ज़ीरो हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्लीप कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्लीप लेने के बाद, अभी तक तो मॉर्निंग नहीं हुआ, अभी सेकंड स्लीप लेने के बाद ये मॉर्निंग हो गया है, तो अभी सब कुछ क्लियर है। तो कैस्ट्रॉइड भी अपने पास ही है, और तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्रेमिंग प्रोसेस। पहले अपना थेरी का एग्रेशन पैसिव पे कर देता हूँ, ताकि टेमिंग के टाइम पर कोई भी परेशानी ना हो। और अभी टाइम है कैस्ट्रॉइड को नॉक करना है, इसके लिए इसको थोड़ा अपने ट्रैप पर बुलाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं अपने लॉन्ग नेक राइफल के साथ ट्रैंक्विलाइजर डॉट यूज़ कर रहा हूँ, ताकि जल्दी से मैं इसको नॉक कर सकूँ, मतलब अनकॉन्शियस कर सकूँ। तो अभी नहीं, अभी ये पहला शॉट मिस हो चुका है, और अभी सेकंड शॉट पर ये देखता हूँ। हाँ, ये सेकंड शॉट लग चुका है, ये ट्रैंक्विलाइजर डॉट लग चुका है, तो ये अपने तरफ आ रहा है। तो चलो भाई निकलो यहाँ से, और ये ट्रैप से बस काम चल जाएगा ये कैस्टर को टीम करने के लिए। तो अभी जल्दी से इसको हमको नॉक करना है। तो भाई ये लग नहीं रहा है क्यों, ये ट्रैंक्विलाइजर डॉट। तो अभी कितना डॉट खाएगा ये भी देखना बाकी है, क्योंकि नॉक होने के बाद मैं इसको जल्दी से टेम कर सकूंगा,
और इसके लिए मैंने गिलेमस एक किबल लिया है। तो अभी ये देखो ये भाग रहा है, मतलब ये अभी थोड़े देर में अनकॉन्शियस होने वाला है। तो अभी एक शॉट के बाद मैं देखता हूँ। हाँ भाई हो चुका है, तो ये नॉक हो चुका है, तो जल्दी से देना है इसको किबल। और कुछ भी नहीं है, मतलब मैं सिर्फ किबल के भरोसे आया हूँ। मेरे पास ये शूटिंग बम, नार्कोटिक, बायोटॉक्सिन कुछ भी नहीं है। ओनली फॉर किबल से मैं इसको टेम करने वाला हूँ। तो जल्दी से इसका एडिशन अटैक पर कर देता हूँ। यहाँ पर डायनोस की कमी नहीं है, कब कहाँ से आ जाए कुछ पता नहीं। तो चलिए चलते हैं और इसको देते हैं किबल। अभी फिट कराने के बाद कितने परसेंट से कितने फर्स्ट टेमिंग होता है ये देखना बाकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही फास्ट टेमिंग हो रहा है। आप चाहो तो इस तरीके से कैस्टर्ड को टेम कर सकते हो, बहुत ही फास्ट टेम कर सकते हो, और इसका राइड का भी मज़ा ले सकते हो। और कहीं पर भी इसको लेके जाके आप अपना गेम को कर सकते हो धमाकेदार। तो इसी तरीके से आपको कैस्टर्ड कर लेना है टेम। और इसका टेमिंग इफेक्टिवनेस आप देख चुके हो, 99.8% हमको मिला है, और प्लस 144 एक्स्ट्रा लेवल भी मिल चुका है इसका। तो शॉर्टकट तरीका दोस्तों यही है, आप किबल से टेम करो विदाउट नार्कोटिक, बायोटॉक्सिन, शूटिंग बम, कुछ भी नहीं चाहिए। बस ये टेक्निक यूज़ करो और कैस्टर्ड को टेम करो और अपना गेम प्ले का मजा लो। तो ये तो हमारा कैस्टर्ड हो चुका है टीम। अभी मैं इसके राइड का लूँगा मज़ा, और आप भी कीजिए टोटल प्लानिंग किस तरीके से या इस तरीके से आपको टीम करना है। तो बंधु आप कीजिए प्लानिंग और मैं चला इसके साथ थोड़ा सा मस्ती करने, थोड़ा सा राइड करने। और नेक्स्ट सफ़र में बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो नेक्स्ट सफ़र में दोस्तों मैं कुछ अलग ही कुछ दिखाने वाला हूँ आपको। तो इसी तरीके से आपका सपोर्ट चाहिए, और मेरा कोशिश यही रहेगा हमेशा कि शॉर्टकट तरीका अपनाते हुए आप लोगों को हर एक वीडियो दिखाऊं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, ये जो एक कलेक्ट करने का तरीका है भाई, जहाँ पर भी मिलता है मैं एक कलेक्ट कर लेता हूँ इसी तरीके से। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और एक धमाकेदार सफर के साथ। मिलते हैं दोस्तों, बाय।